हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे बालकनी गार्डन में। आज मैं दूंगी अपनी बालकनी का ओवरव्यू। ये देखिए, गिलोय का पौधा मेरी बालकनी को आधा कवर कर दिया है। मैं इसको आधे ही बालकनी में कवर कर रही हूँ, क्योंकि इधर से अलमंडा है, अलमंडा भी ऊपर ही चढ़ रहा है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा हरियाली हो गया है इस बालकनी में। ऊपर से इधर मनी प्लांट रखा हुआ है, ये भी सही चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए मेरा समी का पौधा, ये सर्दी में बिल्कुल खराब हो गया था, इसमें पत्ते सारे झड़ गए थे, पर अब पत्ते आ रहे हैं इसमें। पत्ते निकल रहे हैं छोटे छोटे, धीरे धीरे सही हो जाएगा ये पौधा मेरा। ये देखिए कुछ गर्मियों के फूलों के पौधे हम लेके आए हैं, दो तीन। ये है गोमफेरना का पौधा, बहुत अच्छा इसका फ्लावर है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, हाडीसा है, पूरा फूलों से भरा हुआ ये पौधा। ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, मिला तो हमने ले लिया। ये एक सिलोसिया का पौधा लिया है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर है। इसका कलर गाजरी कलर का है, इसमें वीडियो में ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा आपको। ये देखिए मेरा मोगरा, ज़्यादा गर्मी की वजह से पत्ते जल गए, पर धीरे धीरे सही हो जाएंगे, नए कल्ले आ रहे हैं। ये कटिंग वाला गुड़हल, इसमें भी कलियाँ आ रही है, इसको यहाँ पे रख दिया है हमने बालकनी में ही। कुछ पौधे गमले के साइड में रखा हुआ है, जहाँ कम धूप मिलता हो पौधों को। यहाँ ऊपर लेंटाना, ये मेरा रेड वाला गुड़हल, अभी इसमें फूल नहीं आ रहा है, बहुत सारे फूल खिला इसमें। ये गुलाब, गुलाब के पत्ते जल रहे हैं गर्मी की वजह से। ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा सूख गया, इसमें जो टमाटर था उसको हमने तोड़ लिया, पौधा भी हटा देंगे। ये देखिए अलमंडा फिर से फूल देने के लिए तैयार हो रहा है, इसमें कलियां आने लगी है अब। इधर कोने में रेपिस पाम और एरिका पाम रखा हुआ है, देखिए इसके पत्ते जल रहे हैं। यहाँ धूप तो बहुत कम आता है, पर गर्म हवाएं चलती है, उसकी वजह से पत्ते जल रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, जगह तो है नहीं, ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये सब पौधे सही चल रहा है। ये ड्वार्फ स्नेक प्लांट, इसमें बेबी प्लांट आ रहे हैं। इधर दो एलोवेरा का भी पौधा रखा हुआ है, इधर स्नेक प्लांट जो पत्तों से ग्रो हो रहा है। इधर क्रिसमस ट्री का पौधा, इसको भी मैं अभी ली थी। देखिए डेढ़सीना का भी पत्ता जल गया, चार पांच दिन में केयर नहीं कर पाई, नहीं थी तो ऐसे हो गया। पौधे हमारे कुछ खराब हो गए पौधे। ये रबर प्लांट, इसमें दो पत्ते आए हैं, अब निकले हैं दो पत्ते नए। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। ये मनी प्लांट जो कटिंग से मैं लगाई थी, लग चुका है। ये मोर खरीदी हूँ, मोर का शोपीस दो, ऐसे हमने इसको रखा हुआ है, देखने बहुत सुंदर लगता है। ये ओलियंडर का पौधा, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कलियां तो आ रही है पर फूल नहीं खिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा आंधी चल रहा है, पौधे हमारे खराब हो रहे हैं बार बार। ये देखिए कड़ी पत्ता का पौधा, उसके भी पत्ते जल गए हैं धूप और आंधी की वजह से। ये छोटे छोटे प्लांट इस गमले में ही रखा हुआ है, जो कटिंग से ग्रो हुआ है, ये सकुलेंट है। ये लीली, इधर गुलदाउदी का पौधा रखा हुआ है, इधर एक और लीली। ये मेरा चमेली का पौधा, ये धीरे धीरे सही हो रहा है।
सबसे ज़्यादा बोगनवेलिया मेरा ख़राब हो गया है। ऊपर रखा हुआ था, आंधी आया और दोनों गमले हमारे गिर चुके थे, टूट गया ये। देखती हूँ सही होता है कि नहीं ये। ये सब पौधे ठीक है, ये कड़ी पत्ता का पौधा, इसके भी पत्ते खराब हो गए आंधी की वजह से। देखिए गुलाब के पत्ते झड़ गए। इस बालकनी में बहुत तेज धूप आता है। ग्रीन नेट लगने के बाद भी पौधे खराब हो रहे हैं धूप की वजह से। ये जेड रखा हुआ है, जेड का पौधा सही चल रहा है। ये डेविल्स बैकबोन, ये भी सही हो गया, सर्दियों में बिल्कुल बेकार सा हो गया था। ये फर्न का पौधा, ये भी सही चल रहा है, इसमें नए नए पौधे निकल रहे हैं। ये मेरा मेहंदी का पौधा है, इसमें भी अब पत्तियाँ आने लगी है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। जेरेनियम भी खराब होने लगा है धूप के वजह से। इधर पौधे सही हैं। अपराजिता, इसमें भी कलियां बनने लगी है। फॉक्सटेल फर्न है ये भी थोड़ा धूप की वजह से खराब हो रहा है, पीला पड़ गया है। इधर पाम रखा हुआ है, ये सही चल रहा है। इधर 9 o'clock और फर्न हैंग कर दी हूँ, सर्दियों के पौधे तो खराब हो गए। इधर तुलसी, मेरी बड़ी वाली तुलसी खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, एक बाइक सूख गई। इधर पौधे सही चल रहे हैं, नीचे जो रखा हुआ है। ये सिंगोनियम का पौधा, इसको भी हमने बालकनी में ही रखा है, इसके भी पत्ते खराब हो गए हैं आंधी की वजह से। ये मेरा मनी प्लांट छोटा सा, ये कुछ कटिंग जो चल रहे हैं सही हो रहा है। दीदी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।